वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के छठे दिन इंडिया के दो इवेंट हुए। ये दो इवेंट थे वुमेन्स जेवलिन थ्रो और वुमेन्स 5000 मीटर रेस। जेवलिन थ्रो में भारत की अनु रानी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 62.50 मीटर से ज्यादा का थ्रो लगाना था या फिर क्वालिफिकेशन में टॉप 12 थ्रो के अंदर आना था। अनु रानी ने ग्रुप बी में 59.60 का थ्रो किया और ओवरऑल उन्होंने 8th पोजीशन हासिल की, तो टॉप 12 के अंदर आने के कारण वो फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए। 62.50 का मार्क सिर्फ तीन ही एथलीट क्रॉस कर पाए। नेक्स्ट इवेंट था वुमेन्स 5000 मीटर रेस। इसमें दो हीट हुए और क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक हीट में टॉप 5 में आना था या फिर नेक्स्ट 5 बेस्ट परफॉर्मेंसेस करके दिखाने थे, तो पारुल चौधरी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने 15 मिनट्स और 54.03 सेकेंड्स में इस रेस को पूरा किया और हीट 2 में 19th में से 17th पोजीशन को हासिल किया। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।